उनका तो कोई केस ही नहीं बनता, अब कोई चार्जेस भी नहीं है, और उनको बस एक एक यू नो स्ट्रेटजी के अंदर ले जाके बस एलिगेशन के अंदर आपने उनको उनको वो कर दिया। अरे कोई क्लेम ही नहीं है, कोई पैसे का भी क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है। अब कोई भी चिट्ठी लिख दे, नहीं सरकार की चिट्ठी किसकी किसकी लिखी हुई है? 24 घंटे में अर्णव गोस्वामी जी। राविया जी बोलिए, राविया जी बोलिए। मैं कहती हूँ कि उसी आदमी ने अपनी माँ को मार के खुदकुशी कर ली है और किसी और ने चिट्ठी लिख दी होगी, यह हमें पता लग जाइए ना। पहले केस तो बनाइए। आपने बेचारे अरनाथ को लेके अंदर कर दिया क्योंकि आपको सूट करता है, ये आपकी गुंडागर्दी है। आप ये आपने हिंदुस्तान को बता दिया कि राज मोदी जी नहीं चला रहे हैं, अमित जी नहीं चला रहे हैं, कोई नहीं चला रहा, हम चला रहे हैं। तो ये तो एक दादागिरी हो गई है ना, साफ जाहिर कर दिया। ये बदला गिरी है, ये बदला ले रहे हैं बॉलीवुड का, ये बदला ले रहे हैं सलमान खान का, ये बदला ले रहे हैं क्योंकि अर्णव ने इनकी सच्चाई को सामने रख दिया। सारे प्रीति पांडे कुछ बोल रही है मैम, प्रीति पांडे, फिरोज, प्राची शर्मा, फिर हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं बार बार ये कहना चाहते हैं अगर हिम्मत